नमस्कार। चित्त प्रतीक्षित हमारा 8 पीरियड वाला शेड्यूल हम कल से शुरू कर रहे हैं। 4 जुलाई मंडे मैंने हमारा जो 8 पीरियड का जो इंतजार था वो कल हम शुरू करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आपके पास में टाइम शेड्यूल आ ही गया होगा और टाइम टेबल भी आपके पास पहुंच जाएगा। इस टाइमिंग में हमारे पास में 2 ब्रेक्स होंगे बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए भी 2 ब्रेक्स होंगे। छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी वाले हैं सर, उसके ब्रेक्स में पहला ब्रेक 40 मिनट का रहेगा ताकि बच्चे इत्मीनान से खा सकें और उनको खाने के रिगार्डिंग जो एटिकेट्स की जरूरत है वो भी हमें उनके टीचर उन्हें सिखा सकें। और जो दूसरा ब्रेक है वो लास्ट पीरियड के पहले मतलब 4 पीरियड के बाद होगा, जो 15 मिनट्स का होगा, जिसको वो अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, उसमें भी टीचर्स उनको एटिकेट्स सिखा सकते हैं। और सिमिलरली बड़े बच्चों के लिए भी 2 ही ब्रेक होंगे, वो 20-20 मिनट के रहेंगे और इन दोनों ब्रेक्स के हिसाब से आप उनके खाने की व्यवस्था कुछ ऐसे रखिएगा ताकि वो दोनों वक्त के हिसाब से अपना मैनेज कर सके। लंबा समय बच्चे लोग रुकेंगे तो खाने की 2 ब्रेक्स रहेंगे और 20-20 मिनट में हम लोग पर्याप्त अपना खा सकेंगे। क्योंकि इसके पहले की बात ये है कि हमारी जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 8 बजे है, क्योंकि 8:05 से हमारी असेंबली चालू होगी और ये असेंबली जो है हमारे करिकुलम का हिस्सा है, जिसमें हर बच्चे को इसमें रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है असेंबली में सीखते हैं, इसलिए टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 8 बजे डॉट रिपोर्टिंग का है, 8:05 हमारा असेंबली स्टार्ट हो जाएगा और 8:25 को खत्म होगा, 8:30 बजे से हमारी फर्स्ट पीरियड शुरू हो जाएगी। कल से हम जो आपको टाइम टेबल भेजने वाले हैं इसमें सभी बच्चों के पास में उनके अलग अलग दिन के बुक्स के डिटेल्स मिलेंगी। तो जो बुक्स बच्चे अभी फिलहाल की स्थिति में पूरा पूरा बैग लेकर के आ रहे हैं वो लोग सिर्फ सिलेक्टेड बुक्स लेकर के आएंगे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, ताकि उनको ये भी पता चले कि कल के डेट में हमारी कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे, जैसा भी देखा जा रहा है कि पूरे बच्चे अपने लास्ट टाइम भी देखे थे कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट को लेकर आते हैं और पूरे सब्जेक्ट हो नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए भी ये सुविधाजनक होगा कि और उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कल के दिन में उनका क्या होने जा रहा है। एक और चीज़ की कल ही हम आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लिस्ट देने वाले हैं हाउस डिस्ट्रीब्यूशन का, और उस हाउस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आपको हाउसेस के कलर्स के बारे में भी जानकारी रहेगी। तो आपके पास क्लास वाइज ग्रुप्स में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कौन से हाउस में है और उस हाउस की टी शर्ट कौन सी है, तो वो टी शर्ट आप लक्ष्मी वस्त्रालय से जाकर के ले सकते हैं। जो आपको जो आपके ग्रुप में जो आएगा उसके साथ में टी शर्ट और उसका कलर आपको दिख जाएगा ताकि आपको पहचानने में कोई असुविधा ना हो, तो लक्ष्मी वस्त्रालय से जाकर के वो आपके बच्चों का ग्रुप का जो हाउस ग्रुप का जो टी शर्ट है आप ले सकते हैं। तो आज यही और इस सारी चीज़ों के साथ आपसे दोबारा बताना चाहेंगे कि कल से हमारा शेड्यूल 2:30 तक के लिए रहेगा। दिन का हमारा पूरा जो 2 पार्ट में बटा हुआ, छोटे बच्चों के लिए जो हमारे पास में 2:45 हमारे पास 12:45 शूटिंग रहेगा और बड़े बच्चों के लिए 2:30 का टाइम शेड्यूल का ध्यान रखिएगा। बस भर के दीजिएगा ताकि बच्चों को भूख ना लगे। ओके सर, थैंक यू सो मच।